ये आपको मैंने अभी बताया, तो फिर दोबारा बताएं। हम लोगों ने अपनी मर्जी के साथ, रिश्ते वाली औरत थी एक, उसने हमें रिश्ता दिखाया अपनी मर्जी से हम लोगों ने। उसका नाम हमें आंटी का नहीं पता, हम प्यार से उसे अम्मी कहते थे, हमें नाम का नहीं पता। उसने हमें रिश्ता दिखाया, हमने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि हमने इनसे मिले 1 घंटे की, हमने अलहदा से मुलाकात की, हमें समझ में आए, हमने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, जिंदगी तो गुजारनी है किसी न किसी के साथ। अच्छा, इन्होंने पैसे वगैरह दिए थे या ऐसे? नहीं, हमें कोई पैसे इन लोगों ने नहीं दिए, किसी को पैसे नहीं दिए। रिश्ते वाली ने अगर अपना खर्चा पानी इनसे लिया हो 5-10 हज़ार तो हो सकता है, क्योंकि हमें उनसे उन्होंने मिलवाया था, और जाहिर है खर्चा लेना उनका हक बनता था, उन्होंने गलत नहीं किया होगा अगर लिया भी होगा तो। आप लोगों ने पैसे वगैरह नहीं लिए शादी में? नहीं, हमारे हमने अपनी मर्जी से उनसे शादी की है, इन लोगों से। कल हुई है। हाँ, और हम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की है, ना हमारी उसमें माँ थी, ना हमारा बाप था, ना बहन था, ना भाई था। फिर आज क्या हुआ? वो हम लोग मार्केट गए शॉपिंग करने के लिए, हॉस्पिटल में मार्केट गए शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे मेरी तबीयत खराब हो गई, पेट में मेरे दर्द उठा, मैंने इनसे कहा कि मुझे घर जाना चाहिए, शॉपिंग कल कर लेंगे। इन्होंने कहा ठीक है। हम रास्ते में थे, अचानक दर्द की शिद्दत बढ़ गई, तेज होने लगा। जब दर्द तेज होने लगा तो उन लोगों ने एक छोटे से क्लिनिक में लेकर गए, उन्होंने एक गोली दी जिससे मुझे आराम नहीं आया, फौरी तौर वहीं उन्होंने खिलाई जिससे मुझे और फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने इनसे कहा मुझे किसी अच्छे और बड़े अस्पताल में ले जाएं, आपकी मेहरबानी। गिड़गिड़ाया भी, सब कुछ किया, तंग होकर मैं स्टॉप पर भागी कि किसी बस में मैं बैठूं या किसी गाड़ी से टकरा जाऊं, कुछ ऐसा करूं, बेजार होकर। अच्छा, आप एक दिन में इतनी तंग क्यों हो गई हैं? क्यों एक दिन में नहीं, 1 घंटे में तंग हुई। कल से मैं इनके साथ बहुत खुश थी और बहुत अच्छी थी, आज मैं इनसे तंग हुई हूँ, क्योंकि मैंने आज इतनी मेरी तबीयत खराब हो गई कि इन लोगों ने ये गवारा नहीं समझा कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में हम ले जाएं, तो सारी लाइफ मेरी इसके साथ कैसे गुजरेगी। बड़े भाई से? बड़े भाई जी। वो किस आया? क्या? बस यही मेरी बहन को तकलीफ हुई, बस इसी वजह से हम लोग तंग आ गए। वैसे तो हम लोग, हमारे साथ वो भी अच्छे थे, हम भी सही थे। एक बीमारी में तो इस तरह नहीं करना चाहिए ना, कि इंसान को तकलीफ हो उसको ले जाना चाहिए। वो क्लिनिक में लेके जा रहा है, क्लिनिक में इसको ओरियन के इंजेक्शन लगाया, एक टेबलेट दिया, उससे इसको आराम नहीं आया। बस यही बात है। कम उम्र की लड़की? जी हाँ, 10 साल की बच्ची है और 11 साल का बच्चा है ना, 11-12 साल का लड़का है। वो दुकान चलाता है, उनके घर के पास उसकी दुकान है, घर के साथ अंदर दुकान खोली हुई है, यानी कि वो दुकान चलाता है। उसके साथ इन्होंने निकाह उसका बांधा हुआ है, अपनी जवान बेटी देकर उस बच्चे के लिए उन्होंने लड़की ली है। वो लड़की भी इस वक्त उनके घर पे मौजूद थी। कितनी उम्र होगी उस लड़की की? भी इतनी उम्र नहीं है, छोटी है, 12-13 साल, 11-12 साल। और उस लड़के की भी तकरीबन इतनी उम्र है, बिल्कुल बच्चा दिखता है, बिल्कुल बच्चा, छोटा सा, यानी कि 11-12 साल। हम बस यही गुजारिश, हमारा यही मुतालबा है कि बस हम लोग इनके साथ नहीं रहना चाहते, और हमें पहली दफा ऐसा किया, और हमारी यही गुजारिश है कि हमारी इनसे जान छुड़ा दी जाए बस, क्योंकि कानून और इंसाफ करता है ना, तो हमें इंसाफ चाहिए। कितना देना है? पैसा 5 लाख करना है। अच्छा, वो के देना? 5 लाख इन्हन के देना, इन्हें वार्स में के जो मैंने वार्स हो वही खाला होने के। अच्छा, खाला भी मरसो बिनी जाने के वहाँ 5 लाख में बिनी। कल इसको हैदराबाद से लाए तो वहाँ निकाह किया था, इसने हमसे शादी की थी। निकाह नामा भी हमारे पास है, हमसे रात आए तो उसकी अम्मी साथ आई थी, वो पैसे भी लेगी 5 लाख रुपए। कितने पैसे लेगी? 5 लाख रुपए। अच्छा, ये साथ थी, इनके साथ आई थी, उसको दी थी, वो बोलती हमारी माँ। हाँ, बोलते ही हमारी माँ है। नहीं, ये इल्जाम लगा रही हैं कि आपने इनको अस्पताल वगैरह नहीं लाया? ले आया था मैं लाजन डॉक्टर के पास, वहाँ पे उसने बोला मेरी सोपारियन लेकर, मैं सोपारियन लेकर गया, मेरा छोटा भाई था उसके साथ, फिर ये निकल गई। भाई के हम लेकर जा रहे थे ना, अभी बस में थोड़ी लेकर जाएंगे, किसी कार में लेकर जाएंगे ना, कार में भी नहीं लेकर जा रहे थे, कार में लेकर जाएंगे। बड़ा तो यहाँ पे तो लालचंद है डॉक्टर, उसके पास तो लेकर गए, उसने एक गोली दी इसको, बोले मैं टीका लगाता हूँ, तो इन्होंने बोला ये निकल गई पीछे से। उमरकोट शहीद पाड़े में, शहीद पाड़े में,
सही से पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। और आपके भाई का? अमीन। अच्छा, ये कहते हैं कि वहाँ छोटी छोटी लड़कियाँ भी ब्याही हुई हैं? नहीं नहीं, वो हमारी अपनी बेटी है, ब्याही हुई है। और मुझे भाज बहन शादी थे, उन्हें पुट भी नंडो आया, उन्हें निकाह थेला, खाली पुट भी नंडो आया, छोकरी भी नंडी आया। ये नहीं पता कितनी उम्र होगी।